तैयार हो जाओ। जैसे ही वह बालक यहाँ प्रवेश करे तो सब उस पर टूट पड़ना। भारत आप ये क्या बोल रहे हैं? पांच पांच आदमी एक कंधे से बालक पर यदि टूट पड़ेंगे तो वह वहां प्राप्त होगा। उन्होंने अकेले और निहत्ते रजक को मार डाला तो महापाप नहीं हुआ? महाराज मैंने तो आपके राज्य धर्म की बात करी थी, आप तो क्रोधित हो गए हैं। क्रोधित हो गए? मीठे जहर, बहुत सुन चुका तेरा शासन। युद्ध युद्ध में धर्म और नीति का क्या काम? यदि धर्म पर चलना है तो माला लेकर घर बैठ जाओ। राज्य के भाग दौड़ में क्यों विफल कराते हो? तू तो स्वयं ही कहता है ना कि वह साक्षात ईश्वर है। जब वह ईश्वर है तो उसके सामने पांच क्या, 500 क्या, एक क्या, 1000 क्या, कोई भी आ जाए तब भी उसे परास्त नहीं कर सकता। क्यों भगत जी महाराज, उत्तर सही मिला? जाओ अब वहां जाकर बैठ जाओ और राम नाम की मेहक लगाओ। तुम कोई हमारे मंत्री नहीं हो, जानता हो जिस नशे में चूर हो, सिर्फ नाम के अक्रूर हो, वास्तव में क्रूर हो। उत्तम 12 बरस के बालक को पांच पांच आदमियों द्वारा पकड़वा देना, उसका वध कर देना। उसकी इच्छा रखने वाले नरेश, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता, यदि ऐसा करोगे तो बहुत बुरा होगा। क्या दिक्कत? मेरी आवाज पर मथुरा की समस्त प्रजा इकट्ठी हो जाएगी और फिर वह तुमसे और तुम्हारे पांचों पहलवानों से एक बालक की मृत्यु का प्रश्न उठाएगी। सारी मथुरा तो क्या, सारी दुनिया भी यदि मेरे सामने आ जाए तो भी कंस का फैसला नहीं बदल सकता। वीरो तुम इसकी मत सुनो, मलशाला में मार डालने के लिए तैयार रहो। कहां वह बच के जाएगा? उसका काल आ पहुंचा है। प्रणाम मामा श्री, मैं कृष्ण आपका भांजा तेरा काल। देख तेरी मथुरा नगरी को, मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति आज तुझे मरता हुआ देखना चाहता है। मथुरा का प्रत्येक व्यक्ति तेरा काल है कंस। ना किसी में भय है और ना ही आकर यदि यहाँ कोई भयभीत है तो वो केवल तू है कंस, केवल तू है। मेरे पीछे समस्त मथुरा नगरी है और यह मथुरा नगरी प्रेम मुक्त हो चुकी है और यह शीघ्र ही कंस मुक्ति होगी। अब तेरे जीवन में और तेरी मृत्यु में बस कुछ ही पद का अंतर शेष है। अपनी मृत्यु के लिए सज हो जा कंस। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीता है उसका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु वह तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होता है वह मृत्यु आने से पहले कई बार मरता है। जो जीवन के अंतिम समय तक
अपना मस्तक किसी के आगे झुकने ना दे। जो वीरों की बातें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, उसके जीने में भी शान है और उसके मरने में भी शान है। पकड़ लो, मार दो, बच के भाग न पाए। क्यों मथुरे मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? मथुरे ज्यादा अभिमान अच्छा नहीं होता। अभिमान किया जिसने वो चढ़ता भी है बरसता भी है। जो बादल बरसता है वह फट जाया भी करता है। मेहमान ऐसा ही व्यवहार करते हैं। रजत को मार डाला, धनुष को तोड़ डाला, कुबलिया पीर हाथों को मार डाला, दैयों के करैया, इन सब बातों का बदला मैं तेरे इस किशन कन्हैया से लूंगा। पहले तुम लोग कौन सी कसर रखी है जो अब रखोगे? एक अकेले कान्हा को मारने के लिए तुमने सत्तासुर चढ़ावत भूतना अन्य कितने राक्षसों को भेजकर मरवा डाला। अब क्या इन बच्चे कुछ को भी मरवा डालना चाहते हो? देख इधर, देखो हमारी और देखो, हम अपनी छाती खोले हुए तुम्हारी ही मंशाले में खड़े हैं। यह हमारी वीरता और निर्भयता है और तुम सब मिलकर एक अकेले कानों पर टूट रहे थे, ये तुम्हारी कायरता है। यदि साहस हो तो एक एक करके आ जाओ और निपट लो। हाँ, बल्ले चलाने वालों के हाथों का बल भी देख लो। अग्रुल जी, गोकुल में जो बातें आपने कही थी क्या वह याद है? हाँ याद है, मैं भी उनसे कह चुका हूं कि यदि नंद नंदन के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मेरी एक आवाज पर सारी मथुरा तुम्हारे मुकाबले के लिए खड़ी हो जाएगी। परंतु यह नहीं समझते, पता नहीं समझ का देवता इनके मस्तक से विदा ले चुका है। क्यों बड़े बड़े ढींढोर वाले पहलवानों, हम बालकों के साथ एक एक हाथ खुशी हो जाए? मैं तुम सभी को चुनौती देता हूँ, तुम सभी को, तुम्हारी माताओं की दूध की शोभन, यदि साहस हो तो एक एक कर आ जाओ। आप नहीं सुना जाता तेरा ये उद्दंडता पूर्ण भाषण, आप नहीं सुना जाता होगा कुछ। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, अभी नहीं, मैं अखाड़े में जाऊं और इनको इनकी निरंकुशता का सबक सिखाऊं। हाँ हाँ, पहले चलो, सबको ही नहीं बल्कि सदैव के लिए सुना दो। चौकिया महाराज, जय जय मथुरापति, जय जय लंबा मैया की जय। ताऊ, इस दृश्य तो जल्दी करो, जल्दी मैं ही लड़ लूंगा, मेरे होते हुए आप कष्ट ना करें। हाँ, अरे वो धर्म और पाप की लड़ाई है। नहीं कन्हैया, नहीं नहीं, ये नहीं, इससे तो मैं ही निपटूंगा। अरे कर्ण जी, ये नहीं, कोई कोई लड़ाई लड़ाई का सीन, वो ठीक तो है, वो चलता रहेगा, बोलेंगे ना आप किसी और से लड़ लीजिए। अच्छा, वो नहीं लगा, तुम ही लड़ो, कोई लड़ाई का दिखा दे। खाली म्यूजिक चल गए जो तुम नहीं लड़ते हो। तू भला छोटी सी शक्ति है, मैं तुझसे लड़कर क्या करूंगा? क्या कहा, छोटी सी शक्ति? और नहीं तो क्या, अन्याय राजा की कुशामत में रहने वाली शक्ति क्या कभी बड़ी शक्ति कहलाती है? बाला, तेरी शक्ति तेरे वास्ते कल रात्रि है और मेरी शक्ति तेरी रात्रि को नष्ट कर देने के लिए प्रातः सूर्य की लाली है। बालक, तो एक गांधी का
को पृथ्वी पर सुना देने वाला वेद हूँ। तेरा कौन हो? तो मैं महाकाल हूँ। बाबा आज्ञा दीजिए कि आपके लालक पालक की शक्ति आज सारे संसार को दिखा सकूं। बेटा आज्ञा देने को मन तो नहीं चाहता, परंतु इनकी इच्छाओं से विवश होकर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। यदि वो माता यमुना मैया सहाई होगी तो तुम्हारी विजय होगी। जाओ बेटा लड़ो और मारो इसको। जल्दी मालूम होता है तेरे माता पिता को आज तेरी लाश देखनी पड़ेगी। मालूम होता है कि तेरे महाराज को अभी तेरे सब पे रोना होगा। तुझे अवसर देता हूँ, यदि तुझे युद्ध कला ना दे तो आपके मुझसे सीख ले। अभिमानी वाले है पापी मनुष्य, तू अवश्य ही व्यक्त कर देने योग्य है। अच्छा तो आ जा। हाँ हाँ आ जा आ जा। करण करण उससे मुझे लड़ने दीजिए। नहीं कहना, तुम जरा दम धरो, इससे तो मैं ही निपटूंगा। ठीक है दाऊ आरत बाबा आज्ञा। हाँ हाँ जाओ बेटा मारो, फटक फटक कर मारो। अच्छा अच्छा अब बोल आ जाओ। हाँ हाँ भी सही को कहे चलो मार डालो इसे। मामा श्री आपको अपने भाइयों का युद्ध कौशल देखकर हमारे यह राक्षस तो आप ही की भांति मूर्ख निकले। चलो इनका तो अंत हो गया, अब आपकी बारी है। तुमने
यह समझ लिया इन दो चार साधारण से योद्धाओं को मारकर तुम्हें विजय प्राप्त हो गई। नहीं नहीं, अभी तो एक को मारना और बाकी है। वह कौन? इस मथुरापुरी राज्य का अत्याचारी राजा कंस। छोटे होकर बड़ों को इस अपशब्दों में पुकारना तुमने कहां से सुना? जहां से तुमने अपने पिता का राज्य छीनकर उन्हें कारण कर देना सीखा, जहां से तुमने अपनी बहनों की संतानों का वध करने सीखा। इन सब बातों को मेरे मुख पर कहते समय तुम्हें पहले नहीं लग रहा? इन कार्य को संसार के सामने करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब तक मैं समझता था कि तुम्हें अभूत बालक हो, तुम्हें छोड़ दिया जाए, परंतु लड़के लड़के तू लड़कर नहीं जीत सकता। यह लड़कपन की बातें छोड़ दे। लड़के लड़कर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं पर तुम फिर भी नहीं समझते। हम लड़के हैं, हाँ लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर नहीं तुम्हें शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। बच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? सिर पर तेरे पोत का बेटा लगाने को है, गया फिर तेरा साया कल अब आने को है। छोड़ दे तकरार, यह भूता लगाने को है। पाप के अवतार तेरा काल अब आने को है। जिधर तेरे निगाह भर के वही भूत चाल आता है, मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। हजारों सर्कसों की इज्जत खाक में मिलाई है, मैं वही कंस हूँ जिससे कांपती खुदाई है, इसीलिए मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें परास्त कर सकता हूँ, तुम्हारा पद करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, मैं अपनी बंसी से भी तुम्हारा पद कर सकता हूँ। मैं ना मानव हूँ, मैं ना दानव हूँ, मैं ही सत्य धर्म और ज्ञान हूँ। मेरी ही अनुमति से तुम युद्ध कर रहे हो, मेरी ही अनुमति से तुम जीवित हो, और मेरी ही अनुमति से तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से ही तेरे सामने थे कंस, परंतु तुमने हमें नहीं पहचाना। हमने बार बार तुझे अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया, परंतु अब तेरे पाप का भार भर गया है। अब भी समय है, देख के अपनी एक घड़प और हमारी शरण में आ जा, हम तुझे क्षमा कर देंगे, हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस। महाप्रतापी मथुरेश को झुकने के लिए कह रहा है। मूर्ख बालक, कंस फंस सकता है परंतु किसी के आगे झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब अपने अंत के लिए, अपनी मृत्यु के लिए सच हो जा कंस। मृत्यु वह तो अभी प्रकट हो जाएगी कि मेरी या तेरी। अत्याचार जब अपनी अति पर पहुंचता है तो अपने अंत को स्वयं निमंत्रित करता है। तुमने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा, अब अपने मृत्यु के लिए सच हो जा। हाँ हाँ, तो आ जा। बजाओ भाई, वो बोल रहे हैं। ये अभूत बालक इस महाबली कंस को चुनौती दे रहा है। अभूत भाव नमः।
कास्ट कर रहे थे, एक एक दृश्य पर बहुत बहुत समय लेकर सोच रहे थे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ कैसे करना है। ये वो बालक है जो आपस में ही लगे रहते थे क्या करना है, इस सीन में क्या जान डाल सकते हैं, इस सीन में हम और क्या डाल सकते हैं, अपना उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया इस बात में। बहुत बढ़िया नितिन जी, बहुत बढ़िया। अगला मैं नाम लेना चाहूंगा, परिचय के मोहताज नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी इन्होंने अभिनय दिखाया आप सबको, मोंटी, ये केवल और केवल एक महीने के अंदर अभी तक अपने पात्र में, ये रोहित जी वंदन है, नमन है आपको, आपके पात्र को बहुत बहुत सुंदर अभिनय आपने दिखाया, बहुत सुंदर। रोहित चौहान जी ने कृष्ण जी का पात्र किया, वासुदेव जी का पात्र करने वाले थे, खत्म हो गया या नहीं हुआ, चलो मैं यहाँ पे आ गया। पिछले वर्ष के जो वासुदेव रहे अंकित जी, उनका आगमन हो गया, आ रहा हूँ बस मैं तो आ रहा हूँ, ये डेट आएगा, अंकित जी ने निभाया, अन्यथा ये वासुदेव का पात्र भी निभाने वाले हैं, आ रहा हूँ मैं। इन्होंने कृष्ण और भगवान विष्णु का पात्र निभाया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन श्री धार्मिक सेवा समिति की ओर से हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर इन्होंने एक्ट तैयार करके दिया, चंदन जी श्री धार्मिक सेवा समिति की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। अगले साल जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। अगले पात्र हैं बहुत भी सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशा जी, आपकी कला की सारी श्री धार्मिक सेवा समिति मुरीद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत देख लो, ये हमारे छोटे कृष्ण हर्षित बाल स्वरूप और इनके बड़े स्वरूप रोहित चौहान और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान तो बोल अब क्या बोलना चाहते हो, अच्छा करा इसने इस बार कृष्ण गाइस, हम लोगों को ना स्मृति चिन्ह देखते हुए नहीं दिखाया, खुद जाके वहीं यूं खड़े हुए वो देखिए, और तू कल आइयो मैं तेरी वीडियो बना के, हां गाइस कल मेले वाला व्लॉग भी आएगा, आप देखना जरूर, कल हम लोग मेले पे झूलेंगे। बाकी भाई मैं इसकी तारीफ करूंगा, जो आपने वो वाला सीन देखा था नाग मृदंग वाला, उसमें कोई भी डांस वांस ऐड नहीं था, कुछ भी नहीं करा था, बिना प्रैक्टिस के इसने पूरा एक्ट निकाल दिया अपना, फर्स्ट टाइम के हिसाब से, नीचे खड़े खड़े स्टेप बता रहे थे, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा था भाई, फर्स्ट टाइम के हिसाब से इसने इतना प्यारा रोल करा है, बहुत प्यारा रोल करा है भाई, वो देखो नागरानी पधार चुकी है, ये देखो नागरानी आ गई हमारी, ठीक है अबे वो पागल, ठीक है भाई दोबारा मिलेंगे हर्षित, हाँ लड्डू खा लो गाइस। तो गाइस अभी आपने देखा हमारी किस तरह का लीला समापन हुआ, किस तरीके से कंस का वध हुआ, इस तरीके से कंस का वध हुआ, इतना बढ़िया सीन गया, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो कर ही रहा था, बाकी अभी व्लॉग जो शूट हुआ है उसमें देखूंगा। स्टेज पे से नीचे उतरते ही लोगों ने इतनी बढ़िया तारीफ करी कि भाई बहुत बढ़िया सीन गया, बहुत बढ़िया सीन गया है। बाकी बात की बात रही, अभी हम आपको मिलवाते अपने सबसे जिनके ऊपर ये पूरी लीला हो रही है, हमारे कृष्ण जी, हमारे कृष्ण भगवान जी से आपको मिलवाते हैं, देखो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो कृष्णा जी कैसी फीलिंग रहती है, इतना बड़ा रोल करते हो आपकी? मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि हर बार छोटे राम का रोल किया, उसके बाद मैंने भरत का रोल किया, ठीक है, उसके बाद मुझे विष्णु जी का रोल मिला, साल मतलब विष्णु भगवान के ही कैरेक्टर्स में वो मिलते हैं, और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं राम जी का अनन्य भक्त हूँ, ये बात मैं आपको, भाई कहीं ना कहीं राम जी प्रसाद दे रहे हैं बढ़िया वाला, चाहता राम जी का रोल लिया, मेरे भाई पीछे खड़ा राम जी खड़े हमारे, हमारे अंकित भाई को कौन नहीं जानता भाई, और राम जी ने मेरे सुनिए कोई नहीं चलो कृष्ण जी बन जाओ आप, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ करके रोल, अब मेरी मतलब जो मंशा होती है, जो एक वो होती है ना ड्रीम होता है, दिल की तमन्ना थी तमन्ना तोड़ना, ननद जी ने तोड़ दिया, भाई इनकी बहुत मेहनत होती है, जो आपको मैंने पहाड़ दिखाया था वो भी इन दोनों ने मिलकर बनाया था, मतलब वो कहते हैं ना कई लोग होते हैं जो सिर्फ ऊपर मन से करते हैं कि हाँ आ गए डायलॉग वायलॉग बोल दिया चले गए, हम तीन ये दोनों ऐसे ऐसे लोग हैं कि सामने से आके बताते कि भाई ये सीन ऐसा हो सकता है, प्रोप चाहिए तो ये प्रोप आ जाता है, धनुष चाहिए तो ये धनुष आ जाती है, भाई ये भी लगे रहते हैं, भले रिहर्सल्स में हम कम आए या वैसे भी कम हो, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत लगा रहता है, हम तीनों जिस ग्रुप में रहते हैं उसमें लीला हिट जाती है भाई, बिल्कुल हिट जाती भाई, देख लो डरावने रोल विलन का रोल मैं खेल जाता हूँ, रोने धोने वाले रोल भाई खेल जाता है, और जो हीरो वाले रोल होते हैं ये भाई खेल जाता है, और नटखटे रोल, नटखटे रोल सारे रोल ये खेल जाते हैं, जिसमें कन्याएं हो, जिसमें कन्याएं हो, सही बात। बाकी रोहित भाई
मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मेरे साथ रोल करके और जो बाकी लोग बता रहे थे कि रोल बहुत बढ़िया है, कैसा लगा वो वाला? भाई मेरे को अभी प्रदीप चाचा हैं, जो हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं, उनके मामा जी हैं, उन्होंने वो आके मुझसे मिले, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, सब ने अच्छा बताया, तो अच्छा लगा। कोई नहीं, इस साल कैसा भी हो नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट दरबार में बड़ गला इससे भी अच्छा करेंगे। कोई नहीं, अब तो खत्म हो गया, एक हफ्ते के लिए गला गया। लेकिन वैसे अंकित भाई से पूछेंगे, अंकित भाई, हाँ जी भाई, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ लास्ट वाला बताओ, युद्ध से युद्ध वाला सीक्वेंस बताओ, युद्ध वाला भाई एक नंबर था, मैं पीछे से प्राउंडिंग छोड़ के आगे आ गया था तुम्हारा सीन देखने के लिए, कसम से भाई मजा आ गया, मजेदार। आप कौन से मिलवाता हूँ, आपने हमारे कृष्णा जी को देखा कितने बढ़िया लग रहे थे, कितने प्यार लग रहे थे, उनके हम मेकअप आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने उनका इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, इतना शानदार मेकअप करा। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई, क्या नाम है आपका? संदीप। तो भैया कैसे, किस तरीके से आप कैसे, मतलब कैसे कर देते हो इतना सुंदर मेकअप इसका? अरे ये भी बताओ, मिले कैसे थे ये बताओ, पिछले साल की? पिछले साल की भी अच्छे थे, रूपिन के किशन जी का बहुत अच्छा आता है। पिछले साल ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर आए हुए थे, मेरे मेकअप किसी गुरु जी करने वाले थे, ये वहाँ बैठे हुए उन्होंने कही किया नाम, मैंने कि भाई अब कर दोगे, कर दूंगा। उस दिन भी इतना अच्छा गेटअप आया मेरा, मैंने जब से डिसाइड कर लिया कि भाई संदीप भाई आएंगे मेरा मेकअप करने, अदरवाइज मैं किसी से नहीं कराऊंगा। इस साल को फोन करा इसको, इस साल को फोन करा मैंने, ये कह रहे भाई बिजी हूँ, लेकिन इन्होंने भाई कितने ऐसे हो गया ये ना, मुझे पता था कि इतना मेहनत कर सकते हैं, अपना काम छोड़ के आ गई, और जो मालिक था उससे बहाना मार के आई, मैं शादी जा रहा हूँ और यहाँ पर दो दिन से, ठीक है आज आए। मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मेरी मेकअप वाली थी ना, जो मेरा मेकअप कर रही थी, उसका सिर्फ 20 तारीख को एक शूट था, उसने 20 तारीख को शूट करा, उसका 24 को भी था और 26 को भी था उसका शूट, दोनों शूट छोड़ के वो आई है यहाँ पर, तो आपका भी डेडिकेशन है। गुड़गांव से आया भाई, गुड़गांव से काम छोड़ कर, और ये हमारे भैया आज का जो मेरा अवतार था उसका क्रेडिट आज लवीना जी को जाता है। लवीना जी सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लवीना। भाई ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सब जानते हैं। ओ वानर के बच्चे, वो दासी हृदय जी, थैंक यू। तो भाई ये भी बहुत वर्सेटाइल एक्टर है हमारी लीला की, बहुत बढ़िया एक्ट करती है, मेकअप भी करती है, डांस भी करती है, ऑलराउंडर है एकदम। बाकी एक जने से और हम मिलवा लेते हैं, चेली नहीं कहेंगे दीदी, हम कहेंगे स्टूडेंट, चेली थोड़ा वैसा शब्द हो जाता है, स्टूडेंट इनकी है भाई, निशा दीदी, जो भी कुछ इसने यहाँ पे आया है इनके बदौलत आया है। मेरे को भेजने वाली मेरी यहाँ पे सिमरती है, और सिमरती के थ्रू मैं जिनसे मिली वो निशा दी, और जो मुझे यहाँ पे ट्रेन किया है वो निशा दी ने ट्रेन किया, एक्टिंग में, डांसिंग में, हर चीज में मुझे निशा दी ने ट्रेन किया, तो थैंक यू सो मच, जो मुझे यहाँ मिली गाने के लिए भेजा था मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत देर से मुंह फुला के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। करण जी आपके पास भी आएंगे हम, करण जी मुझे ऐसे डेंजर लुक से देख रहे हैं, आएगा आएगा नंबर आएगा। हाँ जी सर बताइए, आप भरे बैठे हो? भरे नहीं बैठे भैया, लीला संपन्न हो गई। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि नितिन भाई के ब्लॉग को और नितिन भाई के पेज को और नितिन भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छे से इसको और अच्छे से दिखा सकें। और मज़ा आया इस बार सबके साथ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लोग इनको कुछ मानते नहीं हैं या पता नहीं इनकी बात नहीं मानते, बट वो सारी चीज़ें अलग हैं, हंसी मजाक में हम इनको बहुत कुछ बोल देते हैं, बट इनका रोल जो यहाँ पे बहुत बड़ा है भाई, ऐसा नहीं है कि स्टेज पे रोल है, इनका बैक स्टेज बहुत बड़ा है। मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई बलराम का करेक्टर था इनका, वो भी बहुत सारे करेक्टर थे, हम तो करेक्टर में आके बैठ जाते हैं, हम करेक्टर में आके बैठ जाते एक जगह, बट ये करेक्टर में भी पूरी पूरी मैनेजमेंट संभालते हैं भाई, वॉकी टॉकी लेके यहाँ घूमते रहते हैं, पूरा स्टेज रेडी करते हैं, पूरा सीन रेडी करवाते हैं, तो भाई बिग हेड्स ऑफ, सबके बस की नहीं होती है बात भी, तो कोई कोई लोग कर सकते हैं, तो चंदन सर उस कोई कोई में से है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज कंस जी। मामा कंस आओ, इनका परिचय इतना बढ़िया हुआ बाहर स्टेज पे, बहुत वर्सेटाइल एक्टर है हमारे करण सर, बहुत बढ़िया डांस सिखाते हैं भाई, बहुत सही सिखाते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ, जो भी हमारे लीला में एक्ट करते हैं वो कोई भी लोग बाहर से नहीं आता, सब नई लीला के होते हैं, वो यही डांस करते हैं। ऐसा होता है कि कई बार कि बाहर से पूरी पार्टी बुला ली जाती है कि भाई ये पार्टी है, ये डांस भी करेगी, एक्ट भी करेगी, सारी चीज़ करेगी, बट नहीं, हमारे जो करेक्टर है वो खुद डांस करते हैं,
खुद एक्ट सीखते हैं, खुद डांस सीखते हैं और सब करते हैं, और डांस सिखाने वाला जो है वो ये एक शख्स है। कैसे करते हो सर ये कैसे सिखा देते हो, इतना टैलेंट कैसे है सर? ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना जो मेरे पास है, मुझे लगता है कि मैं किसी को दे सकूँ, उससे मैं और निखरता हूँ और अच्छा बनता हूँ मैं, और जो कोई हर्ज नहीं है तो मुझे, मैं एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो मेरा सबसे जो फेवरेट काम है वो सिखाना है, चाहे डांस हो चाहे एक्टिंग हो, इसमें मुझे सिखाना है। बस सर इसी तरह एक प्यार से स्माइल के साथ ऐसे ही हमें हमारे साथ जुड़े रहना, कभी भी हमारी तरफ से या हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी अगर कमी पेशी रही हो, बालकों ने सीखने में कमी करी हो, कुछ भी करी हो, तो उसके लिए समा गलती, बाकी जुड़े हमेशा रहना आप हमारे साथ। बिल्कुल सर, जहाँ प्रेम होता है वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की